नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना ही चैनल ब्लेसिंग चैनल में। आज है 28 मई 2019 और अब तक का जो करंट अफेयर रहेगा वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। हम करंट अफेयर की वीडियो 1, 7, 14, 21 और 28 तारीख को डालते हैं। चलो शुरू करते हैं, बात ख़त्म करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है, पहला क्वेश्चन है कि चीन ने हाल ही में कितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। तो हमारा आंसर रहेगा 600 किलोमीटर प्रति घंटे वाली ट्रेन का। चीन ने हाल ही में 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। इसका डिजाइन सरकारी कंपनी CRRC क्विंगदाओ सिफांग ने तैयार किया है। तो अब चीन की बात आई है तो चीन के बारे में जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के एट प्रेजेंट राष्ट्रपति है सी जिनपिंग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। और यदि यहाँ के सबसे बड़े शहर की बात की जाए, चीन के सबसे बड़े शहर का नाम है संघाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण को विश्व के 10 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा UNSDG के द्वारा इनको 10 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन में से हम और क्या कर सकते हैं कि UNSDG की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसकी फुल फॉर्म है और हिंदी में क्या कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास समूह। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि UNSDG की स्थापना कब हुई थी, ये हमें मालूम होना चाहिए। 1997 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से हमें याद आता है अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क के अंदर क्या है, स्टेच ऑफ लिबर्टी, जो कि फ्रांस ने न्यूयॉर्क को गिफ्ट में दी थी, हमें ये पता होना चाहिए। अब UNSDG है तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसका एम क्या है, गोल क्या है, तो इसका एम है, गोल क्या है वो हम देख लेते हैं। द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इज ए कलेक्शन ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स टू ट्रांसफॉर्म अवर वर्ल्ड बाय 2030 पब्लिश्ड एंड एडोप्ट बाय द यूनाइटेड नेशंस इन 2015। मतलब संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास का लक्ष्य 2030 तक हमारी दुनिया के बदलने और 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए जाने के लिए 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किर्गिस्तान के किस शहर में दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम का आयोजन किया गया है। तो हमारा आंसर रहेगा बिश्केक में। किर्गिस्तान के बिश्केक शहर में दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय के एक शिष्टमंडल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। इसका उद्घाटन किर्गिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति एस जीनबेको ने किया है। तो किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक ही किर्गिस्तान की राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है वो है सोम। और एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि यहाँ की आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो आधिकारिक भाषा यहाँ की रूसी है और बोलचाल की भाषा है किर्गिज। इस क्वेश्चन में इतना ही, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अल्टीमा थुले पर पानी की मौजूदगी के सबूत की खोज की है। तो हमारा आंसर रहेगा नासा ने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अल्टीमा थुले पर पानी की मौजूदगी के सबूत की खोज की है। यह मानव जाति द्वारा खोजी गई अब तक की सबसे दूर की दुनिया है। हमारा आंसर था नासा। नासा के बारे में हमें पता होना चाहिए, नासा क्या है, नासा की फुल फॉर्म क्या है, सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए। नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। और नासा कहाँ पर है, कहाँ की ब्रांच है, ये हमें पता होना चाहिए। तो नासा की यदि बात की जाए तो नासा संयुक्त राज्य अमेरिका की यह वह शाखा है जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों व एरोनॉटिक्स व एरोस्पेस संशोधन के लिए जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन में से हम और क्या कर सकते हैं, तो नासा की बात आई है तो नासा का मुख्यालय कहाँ पर है, ये हमें पता होना चाहिए। नासा का मुख्यालय है Washington DC और Washington DC अमेरिका की राजधानी भी है। और नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। और ये भी हमें पता होना चाहिए कि नासा के संस्थापक कौन थे, तो नासा के संस्थापक थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर। और अमेरिका की बात आई थी तो अमेरिका के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि अमेरिका की राजधानी हमें पता चल गया है Washington DC और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोपा डेल रे के फाइनल में वेलेंसिया ने बार्सिलोना को हराकर कितने साल बाद टूर्नामेंट में खिताब जीता है। तो हमारा आंसर रहेगा 11 साल।
कोपा डेल रे फाइनल में वेलेंसिया के बार्सिलोना को 2-1 से हराकर वेलेंसिया ने 11 साल बाद टूर्नामेंट में खिताब जीता है। वेलेंसिया ने पिछली बार खिताब वर्ष 2008 में जीता था। तो कोपा डेल रे क्या है? कोपा डेल रे रॉयल स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन द्वारा आयोजित स्पेनिश फुटबॉल में एक वार्षिक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस बार 17वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार सबसे अधिक कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई हैं? तो हमारा आंसर रहेगा 78 महिलाएं। इस बार 17वीं लोकसभा के चुनाव में पहली बार सबसे अधिक 78 महिलाएं निर्वाचित हुई है। इस बार 542 लोकसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में 716 महिला प्रत्याशी ने अपनी चुनावी किस्मत आजमाई, जिनमें 78 महिलाएं प्रत्याशी विजय हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में। 26 मई को ऑस्ट्रेलिया में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत 1998 में की गई थी। अब ऑस्ट्रेलिया हमारा आंसर है, तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री है एट प्रेजेंट स्कॉट मॉरिसन और यहाँ की मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हाल ही में किस पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर रहेगा कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हाल ही में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। वे 7 जून तक इस पद पर बनी रहेगी। थेरेसा मे का जन्म 1 अक्टूबर 1956 को ब्रिटेन की सेंसेक्स में हुआ था। अब ब्रिटेन की बात आई है तो ब्रिटेन के बारे में जान लेते हैं। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन और यहाँ की प्रधानमंत्री है थेरेसा मे और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से कितनी सीटों पर जीत दर्ज की है? तो हमारा आंसर रहेगा 62। तो वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की कुल 80 सीटों में से 62 सीट पर जीत दर्ज की है और अन्य दो अन्य दल के हिस्से आई और वहीं सपा ने 5 और बसपा ने 10 सीटों पर जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश की बात आई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और एट प्रेजेंट यहाँ के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यदि राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है राम नाईक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा ने किस वर्ष के विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने की योजना को रद्द कर दिया है? तो हमारा आंसर रहेगा 2022। फीफा ने वर्ष 2022 के विश्व कप में 48 टीमों को शामिल करने की योजना को रद्द कर दिया है। वर्ष 2022 के टूर्नामेंट अब पहले की तरह 32 देश ही भाग ले पाएंगे इसमें। फीफा ने कहा है कि उसने इस योजना को विस्तार से देखने और व्यापक परामर्श प्रक्रिया के बाद रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की कौन सी टेक्नोलॉजी कंपनी भारत और बहुत से देशों में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद करेगी? तो हमारा आंसर रहेगा सोनी। जापान की सोनी टेक्नोलॉजी भारत सहित कई देशों में अपना स्मार्टफोन बेचना बंद करेगी। कंपनी ने कहा है कि अभी जापान, यूरोप, ताइवान और हांगकांग के अपने स्मार्टफोन कारोबार पर फोकस करना चाहती है। तो हमारा आंसर था सोनी और सोनी कहाँ की कंपनी है? जापान की। तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो और यहाँ की जो मुद्रा है वो है येन और यदि शहंशाह की बात करें तो नारुहितो यहाँ के शहंशाह है और प्रधानमंत्री शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत वही दिन मनाया जाता है? तो हमारा आंसर रहेगा राष्ट्रमंडल दिवस। 24 मई को भारत सहित और कई देशों में राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। यह दिवस उन देशों के बीच मनाया जाता है जो राष्ट्रमंडल देशों की सूची में शामिल होने के लिए निर्धारित सभी शर्तों को मानकर समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने चीन के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे और वीचैट पे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो हमारा आंसर रहेगा नेपाल। हाल ही में नेपाल के केंद्रीय बैंक ने चीन के ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म अलीपे और वीचे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। नेपाल में प्रतिवर्ष चीनी पर्यटकों से होने वाली विदेशी मुद्रा की कमाई में गिरावट की आशंका के चलते यह फैसला लिया गया है।
तो नेपाल हमारा आंसर था। नेपाल के बारे में जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा है रुपया, नेपाली रुपया। और राष्ट्रपति की यदि बात की जाए तो राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और प्रधानमंत्री है खड़क प्रसाद ओली। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी मिल पाई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो साथ में जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।